अजय देवगन की गिनती बॉलीवुड के ब्लॉकबस्टर स्टार्स में होती है। आज दुनिया में हर कोई उन्हें जानता है। अजय देवगन ने अपनी एक्टिंग से सबका दिल जीत लिया है और वह हर टाइप की एक्टिंग में फिट बैठ जाते हैं, चाहे कॉमेडी एक्ट हो या कोई सस्पेंस वाला एक्ट। अजय ने अपने करियर में 2 राष्ट्रीय पुरस्कार और 4 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते हैं और आज हम बात करने जा रहे हैं उनकी डेब्यू फिल्म फूल और कांटे की हीरोइन मधुबाला रघुनाथ की। तो चलिए जानते हैं। यह फिल्म 22 नवंबर 1991 में आई थी और अजय देवगन के साथ अपना डेब्यू करने आई मधुबाला रघुनाथ, जो कि बेहद खूबसूरत और सुलझी हुई हीरोइन है। इन्होंने अपनी एक्टिंग के जलवे पूरी इंडस्ट्री में बिखेर दिए थे। हर कोई इनकी एक्टिंग की तारीफ करता है। आपको बता दें कि अजय देवगन और मधुबाला की ये डेब्यू फिल्म उस वक्त की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। इस फिल्म के चलते मधु रातों रात एक सुपरस्टार बन गई थी, लेकिन इसके बाद वो अचानक से गायब हो गई। इसका कारण यह था कि उनको बॉलीवुड में काम मिलना कम हो गया था। उन्होंने कुछ बॉलीवुड फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उनको उतनी सफलता नहीं मिली। शायद यही वजह थी कि वह बॉलीवुड इंडस्ट्री से दूर हो गई।